आगरा में पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी ताज नगरी पंचवटी में परिवार द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सामूहिक लोहड़ी का जो त्यौहार है वह मनाया गया। महोत्सव में सभी झूमते नाचते गाते नजर आए और श्रद्धापूर्वक यह त्यौहार मनाया गया। सर्वप्रथम सम्मानित बुजुर्गों के द्वारा लोहड़ी प्रज्वलित की गई और लोहड़ी के गीत गाते हुए इसकी परिक्रमा भी लगाई गई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और इस दौरान सभी ने खुशी भी मनाई। सभी ने भावपूर्वक लोहड़ी का जो पर्व है वह धूमधाम से मनाया है। अग्नि में प्रसाद रूपी फूले पॉपकॉर्न और मूंगफली रेवड़ी का भोग लगाते हुए सभी लोग दिखाई भी दिए। मेरा नाम सुमन यादव है। सुमन जी, आज किस तरह का आप लोहड़ी का कार्यक्रम है? जैसा कि आपको मालूम है, हमारी पंचवटी में हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में आज लोहड़ी का त्योहार भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं हम लोग। विशेषतः लोहड़ी का त्योहार कृषि और प्रकृति पर आधारित होता है। नई फसल चढ़ा के हम लोग उसका स्वागत करते हैं। उसी में उस लोहड़ी को हम लोग नई फसल चढ़ा के, ये मेरी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये मैं उपेंद्र सिंह हूँ, पार्श्वनाथ पंचवटी का निवासी हूँ और यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। और पंचवटी एक ऐसी कॉलोनी है हम लोगों की जहाँ पे सारे ही पर्व, सभी लोग यहाँ पे जो निवासीगण बहुत ही हंसी खुशी से आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे के साथ मनाते हैं। और आज इस पर्व पे मैं यहाँ के निवासियों के साथ साथ सभी को बहुत बहुत लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूँ। लोहड़ी उत्साह भरा त्यौहार, आनंद भरा मजा। आज पार्श्वनाथ पंचवटी सामूहिक लोहड़ी उत्सव मनाया है और पार्श्वनाथ पंचवटी ही एक ऐसी पंचवटी है सद्भावना के, सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, सब मिलके एकजुट होकर त्यौहार मनाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से मेला लगा हुआ है और सभी की ये भावना रहती है कि श्रद्धा भाव के साथ हम सब लोग आपस में एक बन के मेल के साथ ऐसे त्यौहार मनाते रहें। और श्री राम प्रभु से हमारी यही कामना है कि सभी के जीवन में मंगल में हो। आज हमने दो जोड़ों का यहाँ पे सम्मान किया है और साथ ही साथ पंजाबी इकाई के रोहित कत्याल और संजय अरोड़ा का भी स्वागत किया है। ऐसे शुभ अवसर हमको मिलते रहें और हम ऐसे शुभ कार्य करते रहें। जय लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, लख लख बधाइयाँ। ये लोहड़ी का प्रोग्राम होता है हमारा हर साल और ये हमारी पहली लोहड़ी थी। पहली लोहड़ी है। आपको कैसा लग रहा है? आपने नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। होता है पंचवटी परिवार के संग हमेशा हमारे हर साल ये एंजॉयमेंट होता है और हमारी फर्स्ट लोहड़ी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, नई चीज जो आपको करनी है? जो भी यंग एज है, एज के लोग हैं, जितने भी, मतलब मैं चाहता हूँ कि उनको भी ये मैसेज पहुँचे कि लोहड़ी का प्रोग्राम मिलके हर परिवार को एक साथ में मिलाना चाहिए, मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए।